भारी भरकम कंबल को आज हम बिना वॉशिंग मशीन के ही साफ़ करेंगे। वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो इसका वेट इतना हो जाता है कि वॉशिंग मशीन बर्दाश्त नहीं कर पाती और वॉशिंग मशीन ख़राब होने का डर रहता है। और ड्राई क्लीन के लिए भेजते हैं तो बहुत ही महंगा पड़ जाता है, लाने और ले जाने की भी दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स। तो आज हम इसे घर में ही साफ़ करेंगे इजी तरीके से। तो हमें कंबल को पहले बिछा लेना है नीचे ज़मीन पर, इसके नीचे कुछ कारपेट वगैरह बिछा लीजिएगा ताकि ये गंदा ना हो। और फिर ले लेनी है हमें सींक वाली झाड़ू, इससे इसके ऊपर झाड़ू इस तरह से लगाएंगे जिससे इससे सारी मिट्टी निकल जाएगी, जितनी भी इसके अंदर मिट्टी होगी या डस्ट होगा वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और फिर हमें इसको क्लीन करने के लिए ले लेना है 2 चम्मच मीठा सोडा बोलते हैं ना, बेकिंग सोडा, वो ले लेना है। और कोई भी टेलकम पाउडर ले लीजिए और थोड़ा सा इसके अंदर डालकर मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से मिलाने के बाद एक छन्नी से पूरे के ऊपर फैला लेंगे। पूरे कंबल के ऊपर आप इस तरह से छन्नी से फैला लीजिए ताकि कहीं रहे ना और अच्छे से फैल जाए। तो हमें इस मशीन को पूरे कंबल के ऊपर इस तरह से फैला लेना है, जिससे क्या होगा कि इसमें जो भी बैड स्मेल होगी वो निकल जाएगी और इसके अंदर एक भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। इसमें बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं रहने वाली है। ये जहाँ से कंबल ज़्यादा गंदा हो चुका है वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा छिड़काव कर दें, इससे इसकी सारी बैड स्मेल निकल जाएगी। और अब ले लेनी है हमें एक सॉक्स को हाथ में पहन लीजिए, नई पुरानी कोई भी सॉक्स हो आप ले लीजिए और इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दीजिए और इसे पूरे कंबल पर फैला लीजिए। हमें फैलाना एक ही डायरेक्शन में है ताकि इसके रेशे ख़राब ना हो। हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस सॉक्स से फैला लेना है ताकि इसके अंदर पूरे के अंदर ये कंबल के अंदर फैल जाए और एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी और इसमें बैड स्मेल जो भी होगी वो निकल जाएगी। इस तरह से हमें पूरे कंबल में हाथ से फैला लेना है, इससे आपका कंबल भी साफ़ हो जाएगा और बैड स्मेल भी निकलने लगेगी। फ्रेंड्स, बाहर जाकर देना बहुत मुश्किल हो जाता है और भारी भरकम कंबल को साफ़ करना भी बहुत मुश्किल होता है। और अब ले लेना है हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी। आप इस बात का ध्यान रखें, पानी हमें थोड़ा गुनगुना ही लेना है ताकि अच्छे से इसकी गंध निकल जाए। और इसमें मैंने ले लिया है क्लिनिक प्लस शैम्पू, 1 पाउच इसमें डाल दिया है। आपके पास कोई लिक्विड वॉशिंग पाउडर हो तो वो यूज कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिला लेना है। देखिए इस तरह से अच्छे से इसमें झाग निकलने लगे हैं। और अब हम ले लेंगे इसके लिए कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिए, सूती कपड़ा ही लीजिएगा काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसको हल्का सा इस पर डिप करके अच्छे से निचोड़ लेंगे, थोड़ा टाइट सा निचोड़ लेंगे ताकि हमारा कंबल की अच्छे से सफाई हो सके। तो इसको हमें फैला लेना है और एक ले लेना है कुकर का ढक्कन, इसमें अच्छे से फिट करके बंद कर देंगे। आप कोई ढक्कन और कोई ढक्कन हो कुछ भी ले लीजिए ताकि इसमें अच्छे से यूँ कवर हो सके। तो हमें इस तरह से इसके अंदर इसको कवर कर लेना है और पूरे कंबल के ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके प्रेस कर देना है ताकि इसकी जो भी गंद होगी वो निकल जाएगी, जो भी मिट्टी होगी अच्छे से निकल जाएगी। ज़्यादातर मिट्टी तो हमारी झाड़ू से निकल चुकी है, अब हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको साफ़ करने में। आप इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्के हाथ से इस तरह से कर लीजिए, इससे आपका कंबल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा फ्रेंड्स और जो भी बैड स्मेल है वो निकल जाएगी। और इस बात का आप ध्यान रखें, आप शैम्पू से करने के बाद इसे एक बार साफ़ कपड़े से भी ज़रूर कर लें, साफ़ पानी से। देखिए फ्रेंड्स कितना क्लीन सा लग रहा है ना हमारा कंबल। अब देखना मैं आपको दिखाती हूँ इस पर कितना डस्ट लगा है। इतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा ये कंबल मैंने पहले एक बार कर भी लिया था तो इतना डस्ट नहीं है। तो आप भी इस तरह से कर लीजिए, एक बार साफ़ पानी में निकाल कर और कर लीजिए पूरे कंबल पर। और इसे सुखाने के लिए आपके घर में कहीं धूप आ रही हो तो वहाँ सुखा दीजिए, धूप नहीं हो तो आप पंखा चला करके भी इसे सुखा सकते हैं। अगर पंखे से भी आपका ज़्यादा समय ले रही है सुखाने में तो आप इसके ऊपर प्रेस मार दीजिए। प्रेस का खर्चा, आपको बिजली का खर्चा बचाना है तो आप कुकर के अंदर गर्म पानी डाल लीजिए और इसे इस तरह प्रेस की तरह यूज कर सकते हैं। इससे आपका कंबल जल्दी सूख जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, भारी भरकम कंबल आपका मिनटों में साफ़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, सोडा भी पसंद आया हो तो लाइक और